गुड मॉर्निंग। देखिए क्या हुआ है, मेरे प्यारे से पपीते के झाड़ को पूरा गाय गेट के अंदर घुस के और ये पूरे पपीते के पत्तों को खा लिए। मुझे इतने शौक से मैंने इस पपीते के झाड़ को लगाया था, लेकिन जब भी ये बढ़ता है ना तो जब जब गाय खा लेती है, और इन्हें तो सब कैटरपिलरों ने खा लिए। एक मोस्ट यही बच्चा है, अब देखो इसका क्या होता है। देखिए नया नया करी पत्ता आ रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, फिर से इसमें जो है ना वो आ जाएगा कैटरपिलर और सारे पत्तों को खा लेगा। और ये देखिए मेरे टमाटर के झाड़ पूरे मुरझा गए हैं, अब इन्हें कोई मतलब नहीं है। अल्लाह गाइस, अभी है सुबह का टाइम, देखिए ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ये देखिए गाइस, ये मेरी कैट को देखिए, ये लोग तो पूरा घर फैला के रख देते हैं मेरा। देखिए अभी इतना धूम करेंगे और फिर दिन भर सोएंगे। चुकु 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 चुकु, गुड मॉर्निंग बोलो, मियाऊ बोलो, मियाऊ मियाऊ बोलो जल्दी से, गोलू मेरा गोलू गोलू। मुझे उस चुकी बहुत ज़्यादा सर्दी, तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आज मैं एक्सरसाइज कैंसिल करती हूँ। फ्रेंड्स आज है फ्राइडे। ये देखिए मेरे शेरू को क्या हो गया, अभी तक ठीक ही नहीं हुआ इसका ज़ख्म। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और काम मेरे इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा लग रहा है दिन भर काम में गुजर जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सबको जुम्मा मुबारक हो, और आज के दिन इंशाल्लाह सूर्य यासीन, सूर्य कहफ और सूर्य दुहान ज़रूर पड़े हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सारे काम निपटा के मिलूँगी आपसे। यहाँ पे बन रहा है हमारा घी, ये रोज़ की जो मलाई है उसको जमा कर दूँ, और जो है इसके बाद जब मलाई ज़्यादा ही इकट्ठी हो जाए ना तब आप इसको ऐसे रख दो और सिम में चढ़ा दो, ये खुद ब खुद घी बन जाता है। और इसका ये जो बचा हुआ इसकी मिठाई बन जाती है, बहुत ही टेस्टी। अब ये घी बनने ही वाला है बहुत जल्द। और यहाँ पर मैंने लिया है इडली बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए जो है 2 कप चावल, और मैंने लिया है ये उड़द की दाल, और ये है अरहर की दाल, और ये है मूंग की दाल। ये सारी दालों को मिक्स करके अच्छी तरह से मैं इसको जो है भिगा दूँगी और शाम में पीसूँगी इडली के लिए। ये देखिए गाइस, घी बन चुका है, ये दिख रहा है ऊपर। अब इसको हम छान लेंगे छन्नी से और स्टोर कर लेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे। और ये जो इसका जो बचा हुआ रहेगा ना, ये इसमें शक्कर डाल के इसकी मिठाई बना लेंगे। बस हो गया रेडी, और मेरे कपड़े भी धुल के सूख गए हैं अच्छे से, और शायद धुल भी रहे हैं। और आपको बताना भूल गई थी कि ये घी निकालने के बाद ना इसका जो बचा हुआ था इसमें शक्कर पीस के मैंने डाल दिया, तो ये बिल्कुल मिठाई, इतनी ज़बरदस्त मिठाई बनती है। बस इसको शेप अगर दे देती ना मैं, तो ये बिल्कुल होटल से भी अच्छी लगती। और साथ ही साथ मैंने सब्ज़ियाँ भी लेकर आई है अभी शाम में, ये देखिए हरी हरी मेथी भाजी, और मेरा फेवरेट शिमला मिर्च का ही है फेवरेट चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम खाली से लेकर आई हूँ, वो है मटर। ये देखिए मटर मुझे बहुत पसंद है। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, क्या हो गया, बोर लग रहा है? हाँ बोर लग रहा है। ओह यहाँ पर मैं दाल और ये जो इडली का बैटर भिगा कर रखा था ना मैंने, उसे मैंने पीसा है। अब ये रात भर वैसे रहने दूंगी, फिर सुबह जो है इसके अप्पे और इडली वगैरह जैसे भी बच्चों की चॉइस होगी उस हिसाब से मैं उनको बना कर दूंगी। तो फ्रेंड्स व्लॉग मेरा लेट हो जा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है इस वजह से, तो मैं टाइम से अपलोड कर सकूं पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, जो कमी है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड अच्छी तरह से कर लिया था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि दर दरा, मतलब ना एकदम दर दरा था और ना ही एकदम चिकना, मीडियम था जैसा
इडली का होता है। और फिर बस सुबह मैंने इसके अप्पे बनाकर अपनी बेटी को दिया टिफ़िन में। ये सांभर है और ये इडली चढ़ाया था बेटे के लिए, इडली बेटी के लिए जो है ये अप्पे, बस यही बना कर दिया। इसके आगे फ्रेंड्स मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो चलिए मिलते हैं फिर।